वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। आज हम बड़ी मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। एक्सप्लोर नाउ में हम हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट इंडिया में एक सिर्फ गेम नहीं है, ये एक रिलीजन है। लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी इस हद तक है कि हम क्रिकेट से आगे बढ़कर क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में भी ताक झांक करना बहुत पसंद करते हैं। क्रिकेट की गेम के दौरान बीच में ड्रिंक ब्रेक होता है। आपने देखा होगा ट्रॉलियों पर, छोटी छोटी ट्रॉलियों पर अलग अलग तरह के ड्रिंक्स लाए जाते हैं जो क्रिकेटर्स मैदान पर पीते हैं। क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आखिर ये कौन सा ड्रिंक पीते हैं जो इन्हें एनर्जी से बूस्टअप कर देता है? क्या वे सिर्फ पानी पीते हैं या किसी खास ब्रांड का पानी, जैसा कि आपने कभी कभी एड्स में देखा होगा कि कुछ खास ब्रांड का पानी होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो ड्रिंक ब्रेक्स होते हैं ना, इसके लिए क्रिकेटर्स को अलग से टाइम नहीं मिलता है, यानी कि गेम के टाइम में ये टाइम माइनस होता जाता है। जितना लंबा ड्रिंक ब्रेक होगा उतना गेम शॉर्ट होता जाएगा। तो अगर क्रिकेटर्स ड्रिंक ब्रेक में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो उनके गेम में से ये टाइम कट कर दिया जाएगा, यानी उनके बॉलिंग की स्पेल या फिर उनके बैटिंग का टाइम घटा दिया जाएगा। खैर, हम ड्रिंक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें, आपको लगता होगा कि ये स्पेशलाइज्ड एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो क्रिकेटर्स को मैदान पर किसी भी तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक या एनर्जी बूस्टर ड्रिंक पीने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये क्या पीते हैं? बेसिकली ये ऐसे ड्रिंक पीते हैं जिससे ये हाइड्रेट रख सके खुद की बॉडी को। आइसोटॉनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पेशली फॉर्मुलेटेड ड्रिंक होते हैं गेम्स के लिए, ये पी सकते हैं। हालांकि आजकल रिसेंटली चाय, कॉफ़ी सभी पीने की इजाज़त दे दी गई है, पर क्रिकेटर्स ज़्यादातर सादा पानी या फिर जूस पीना पसंद करते हैं। जूस, वो भी नमक वाला, सॉल्टेड जूस, सिट्रस जूस जैसे संतरे का रस या गाजर का रस भी बहुत सारे क्रिकेटर पीना पसंद करते हैं। नमक वाले जूस से इनके बॉडी में जो इन्होंने पसीना बहाया है उसके साथ जो नमक निकल गया है उसकी पूर्ति हो जाती है, बॉडी हाइड्रेट हो जाता है और ये फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं पूरी एनर्जी के साथ मैदान पर उतरने के लिए, ताकि ये खेल को एंजॉय कर सकें और आप इनके खेल को एंजॉय कर सकें। जो जूस मैदान में क्रिकेटर पीते हैं वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और पोटेशियम से रिच होता है, यानी इस जूस में इन सब की मात्रा प्रचुर होती है। ऐसा ड्रिंक पीने से जो मसल क्रैम्प होता है वो नहीं पड़ता है, तो क्रिकेटर्स को मस्कुलर क्रैम्प से भी राहत मिलती है, जो कि मैदान में हो जाना आम बात है। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेटर्स मैदान में अचानक पैर पकड़कर लेट जाते हैं, दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। ये मसल के क्रैम्प की वजह से होता है और मसल में क्रैम्प पानी और नमक की कमी से पड़ते हैं, इसीलिए ये ड्रिंक ब्रेक को कंपल्सरी किया गया है। आज की हमारी शॉर्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे बेहिचक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके मन में ऐसी कोई भी जिज्ञासा उठती है तो हमें सवाल जरूर पूछें, हम उसका जवाब आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।